खबर यह कि 31 साल बाद व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। ज्ञान वापी में पूजा पाठ की तस्वीरें भी सामने आई है। देर रात नंदी के सामने से बैरिकेडिंग हटाई गई। जिला प्रशासन को आदेश दिया गया था कोर्ट की तरफ से, जिसके बाद बैरिकेडिंग हटाई गई। ज्ञान वापी के बाहर स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये पूजा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 31 साल बाद इस तहखाने को खोला गया पूजा करने के लिए, और सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ज्ञान वापी के दरवाजों को खोल दिया गया। हिंदू पक्ष लगातार मांग कर रहा था। हिंदू पक्ष कह रहा था कि 1993 तक जैसे ही व्यास जी तहखाने में जैसे पूजा होती रहती थी, वैसे ही पूजा का अधिकार हमको दिया जाए। इसी मांग को लेकर के कोर्ट का रुख किया गया, और कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखते हुए 1993 से पहले के हालात की तरह ही पूजा करने की मंजूरी दी। खबर यह कि 31 साल बाद व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। ज्ञान वापी में पूजा पाठ की तस्वीरें भी सामने आई है। देर रात नंदी के सामने से बैरिकेडिंग हटाई गई। जिला प्रशासन को आदेश दिया गया था कोर्ट की तरफ से, जिसके बाद बैरिकेडिंग हटाई गई। ज्ञान वापी के बाहर स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये पूजा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 31 साल बाद इस तहखाने को खोला गया पूजा करने के लिए, और सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ज्ञान वापी के दरवाजों को खोल दिया गया। हिंदू पक्ष लगातार मांग कर रहा था। हिंदू पक्ष कह रहा था कि 1993 तक जैसे ही व्यास जी तहखाने में जैसे पूजा होती रहती थी, वैसे ही पूजा का अधिकार हमको दिया जाए। इसी मांग को लेकर के कोर्ट का रुख किया गया, और कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखते हुए 1993 से पहले के हालात की तरह ही पूजा करने की मंजूरी दी।